रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति सहाय, गेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, सीपीपीएस, रांची यूनिवर्सिटी, एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो खांची 90.4 एफएम। एंड इन दिस ऑडियो वी विल डिस्कस अबाउट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट्स एंड सम काइंड्स of one word substitution related to that. But before that, I would like to mention here that one word substitution is a process in which we use one word to replace a wordy phrase to make the sentence structure more clear. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक प्रोसेस है जिसे हम यूज करते हैं लंबे लंबे सेंटेंस को हटाकर या उसके जगह पे एक वर्ड जो हम यूज करते हैं उस लंबे सेंटेंस के स्थान पर। एज इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जनरल इंग्लिश एंड आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इट यूजुअली कवर्स गुड मार्क्स इन एवरी एग्जाम। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है इंग्लिश का जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये गुड मार्क कैरी करता है, राइट? So with that, hoping that you all are doing your studies well, let's start the audio lecture. The first one is absence of government. That is called anarchy. A-N-A-R-C-H-Y. Second one is government by nobles / lords. L-O-R-D-S. Lords, that is called aristocracy. The third one is government by one person. जब एक person के द्वारा government हो, that is called autocracy. A-U-T-O-C-R-A-C-Y, autocracy. Next one is the right of self-government. जहाँ पे self-government का अधिकार हो, that is called autonomy. A-U-T-O-N-O-M-Y, autonomy. Next one is government run by officials. जब officials के द्वारा government चलाया जाता है, तब उसे कहते हैं bureaucracy. B-U-R-E-A-U-C-R-A-C-Y. Next one is government by the people. जहाँ पे government people के द्वारा, किसी देश में अगर कोई government है, वहाँ के people के द्वारा, वहाँ की जनता के द्वारा जब वो government चुना जाता है, तो उसे कहते हैं democracy. D-E-M-O-C-R-A-C-Y. Next one is government by old man. जब कोई बूढ़े व्यक्ति के द्वारा government हो, that is called gerontocracy. G-E-R-O-N-T-O-C-R-A-C-Y. So the next one is government by the worst citizen. कोई worst citizen हो जिसके द्वारा government run किया जा रहा हो. Worst citizen मतलब खराब citizen हो, ठीक है? That is called kekistocracy. K-E-K-I-S-T-O-C-R-A-C-Y. Next one is government by the inexperienced person. किसी तरीके का government जो कि inexperienced हो, जिसे किसी भी तरीके का experience ना हो और आप उसे अगर दे देते हो government संभालने के लिए, that is called neocracy. N-E-O-C-R-A-C-Y. Next one is government by a few person. कुछ लोगों के द्वारा अगर government चलाया जाता हो, that is called oligarchy. O-L-I-G-A-R-C-H-Y. Next one is government run universally. जो यूनिवर्सली जो गवर्नमेंट रन किया जाता हो, जैसे आप
यूनिवर्स में वो सारे रूल्स रेगुलेशन माने जाते हो, जैसे एक रूल बनाया गया और पूरे यूनिवर्स पे वो लागू हो, दैट इज कॉल्ड पैनार्की, PANARCHY. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, अमीर लोगों के द्वारा जब गवर्नमेंट बनता हो, दैट इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट नॉट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन, किसी भी रिलीजन को नहीं मानकर, मतलब रिलीजन जो है किसी भी धर्म के लॉ के अंतर्गत कोई गवर्नमेंट अगर नहीं बनता हो, फ्री फ्रॉम द लॉज ऑफ रिलीजन, दैट इज कॉल्ड सेक्यूलर, SECULAR. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, मोनार्की, MONARCHY. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय द गॉड्स. अब आप सोच रहे होंगे कि गॉड्स के द्वारा भी गवर्नमेंट होता है. हाँ, अगर आप कभी रोम ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उस समय में क्या होता था. ग्रीक माइथोलॉजी में कई ऐसी चीजें मेंशन है जिसमें बताया जाता था कि हर एक चीज के लिए अलग अलग गॉड होते थे और उनकी गवर्नमेंट होती थी. वहां पे सुंदरता के लिए अलग, वाइन के लिए अलग, झगड़ा कराने के लिए अलग गॉड हुआ करते थे. दैट इज कॉल्ड टेरार्की, TEARCHY. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय द लॉज ऑफ रिलीजन. यहाँ पे क्या है कि पहले था हमने पढ़ा कि कोई ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कोई भी लॉ रिलीजन का फॉलो नहीं होता हो, दैट इज कॉल्ड सेक्यूलर. और यहाँ पे है कि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, रिलीजन के लॉज को फॉलो करती हो, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, किसी पर्टिकुलर धर्म के लॉ को फॉलो कर रही हो, दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी, TEOCRACY. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम काइंड्स ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू सम काइंड्स ऑफ डेथ्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरिड, वैसा ग्रेवयार्ड, वैसा जहां पे मुर्दों को दफनाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री, CEMETRY. द नेक्स्ट वन इज अ फ्यूनरल प्रोसेशन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स. एक कभी प्रोसेशन देखा होगा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो एक फ्यूनरल प्रोसेशन निकलता है जिसमें काफी लोग शामिल होते हैं जो डेड बॉडी के पीछे आगे चल रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्टीज, CORTEG. द नेक्स्ट वन इज अ प्लेस वेयर द लास्ट फ्यूनरल राइट्स आर परफॉर्म्ड, वैसा प्लेस जहां पे जो डेथ के बाद की सारी क्रियाएं हैं, जो लास्ट फ्यूनरल राइट होता है जो परफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड क्रीमेटोरियम, CREMATORIUM. नेक्स्ट वन इज एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ डिसीज्ड. कभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में एक छोटा कॉल्यूम होता है कहीं पे जहाँ पे बताया हुआ रहता है कोई पर्सन अगर डिसीज हो गया हो, डेथ हो गई हो जिनकी, उनके बारे में कि उनकी फ्यूनरल सेरेमनी इतने तारीख को है, इतने बजे है, जो मैसेज दिया जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड ऑबिट्यूरी, OBITURY. नेक्स्ट वन इज अ पोयम ऑफ लैमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर्ड. कोई एक ऐसा पोयम जिसमें हम लैमेंट कर रहे हैं, मतलब आपको दुख हो किसी अपने प्रियजन के मर जाने का, अगर किसी के ऐसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसके लिए आपको काफी दुख हो रहा हो, और उस कंडीशन में अगर कोई पोयम लिखा जाता है जिसमें लैमेंट किया जाता है, उस दुख को रोया जाता है, मतलब आप अपने मन की वो सारे दुख अपने पोयम में डालते हो, जहाँ पे आप अपने जिससे आप प्रेम करते थे उसको एडमायर कर रहे हो, उसके बारे में बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एलिजी, ELEGY. नेक्स्ट वन इज वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव और टूम इन द मेमोरी ऑफ द वन बरिड,
GOMB टूम। देखिए क्या है कि जैसे कोई ग्रेव हो, किसी का कब्र है, वहाँ पे कुछ जो लिखा हुआ होता है ना, इंस्क्रिप्शन उसे जो वहाँ पे दिया हुआ रहता है उस व्यक्ति के बारे में, उसके मेमोरी में जो कुछ लाइंस लिखे होते हैं उसके बारे में लिखे होते हैं पत्थर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ। नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, जब कोई अपने ही बच्चे का मर्डर कर दे, दैट इज कॉल्ड फिलिसाइड, FILICIDE, फिलिसाइड। नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, जब कोई अपने भाई का मर्डर कर दे, दैट इज कॉल्ड फैट्रिसाइड, FATRICIDE, फैट्रिसाइड। नेक्स्ट वन इज मर्डर ऑफ अ मैन और वोमेन, किसी महिला या पुरुष की हत्या कर दी जाए, होमिसाइड, HOMICIDE। मर्डर ऑफ इन्फेंट, किसी शिशु की, इन्फेंटिसाइड, INFANTICIDE। मर्डर ऑफ वंस मदर, जब कोई अपनी माँ की हत्या कर दे, दैट इज कॉल्ड मैट्रिसाइड, MATRICIDE, मैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, जब कोई अपने ही पेरेंट्स की हत्या कर दे, दैट इज कॉल्ड पेरिसाइड, PARRICIDE। मर्डर ऑफ वंस फादर, अपने पिता की जब कोई हत्या कर दे, दैट इज कॉल्ड पेट्रिसाइड, PATRICIDE। मर्डर ऑफ किंग और क्वीन, जब किसी राजा या रानी की हत्या हो, दैट इज कॉल्ड रिजिसाइड, RIGICIDE। मर्डर ऑफ वन सेल्फ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर कोई खुद ही खुद को मार दे, दैट इज कॉल्ड सुसाइड, SUICIDE। मर्डर ऑफ वन सिस्टर, सोरोरिसाइड, SORORICIDE। मर्डर ऑफ वंस वाइफ, जब कोई अपनी वाइफ का हत्या कर दे, यूक्सोरिसाइड, UXORICIDE। एंड द लास्ट वन इज अ प्लेस वेयर बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, वैसी जगह जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड मॉर्ग, MORGUE, मुर्दा घर जिसे कहते हैं। सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड माय डिस्कशन हियर, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग।